तो दोस्तों अभी हम पहले क्या करते हैं, टंकी तो बाद में क्लीन हो जाएगी यार, पहले तो हम है ना हमारे जो टक्सेडो गप्पीज है ना उनको हमने यहाँ पे कब कर रखा है तो उनका पहले सेटअप यहाँ पे परफेक्ट कर देते हैं, फिर हम बाद में बाकी का देखते हैं। दोस्तों मैंने ये टब पहले की जगह पहले शिफ्ट कर दिया, अभी मैं जो टक्सेडो गप्पीज निकाला हूँ ये सारी गप्पीज मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ये जो कीड़े ना यार मैं यहाँ पे नहीं डालने वाला हूँ, ये कीड़े ना मैं मॉस्टर पॉन्ड में डाल दूंगा, ठीक है, फिर ये बाद में जब ड्रैगन फ्लाई उड़ेंगे उड़ जाएंगे फिर ये, तो पहले तो मैं ये सारे गप्पीज ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। ये क्यूट है यार ये, चलो जाओ 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 जाओ। यहाँ पे हमारे सिर्फ व्हाइट टक्सेडो रहने वाले हैं। सारे गप्पीज तो मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दी, तो अभी बारी आती है दोस्तों हमारे प्लेकोच की। यहाँ पे मैं तीन प्लेकोच छोड़ रहा हूँ, तो ये तीनों तो यहीं से निकली है। ओए ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है यार, जाओ मेरी थर्ड वाली प्लेकोच, जा भाई तू भी। ओके दोस्तों अभी बारी आती है ये वाले मॉलीज की, तो ये वाले जो मॉलीज है ना मैं इस वाले टब में ऐड करने वाला हूँ व्हाइट टक्सेडो गप्पी के साथ, ये बहुत अच्छे से रहने वाली है, ठीक है। और ये जो मार्बल बैलून मॉलीज है ना ये यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे तो हमारे सारे गप्पीज के बेबीज है, और जो अभी हमारी बड़ी वाली टंकी है जब अभी आगे जाकर हमारे जो गप्पीज के सेटअप में से जो बेबीज निकलेंगे वो सारे के सारे बेबीज मैं उस वाली टंकी में रखूंगा, क्योंकि यार हमें बिल्कुल भी जगह नहीं है गप्पीज के बेबीज रखने के लिए, ठीक है। हमारे गप्पीज इतने ज़्यादा गप्पीज हर रोज़ बेबीज दे रही है, 50, 100, 50, 100 चल रहे हैं, ठीक है, तो उनको रखने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो उनको अभी आज से हम क्या करेंगे उस वाली टंकी में छोड़ेंगे, ठीक है। और गोल्ड कहाँ छोड़ू, गोल्ड का तो सोचा भी नहीं यार मैंने, पहले तो मॉलीज रख लेता हूँ। ये देखो यार इनकी क्वालिटी देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत मॉलीज है ये, जाओ भाई तुम यहाँ पे। ओके क्वालिटी देख सकते हो यार, जाओ 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 जाओ, वाओ कई देखो यार इनकी क्वालिटी देखो दोस्तों, इनकी जो टेल है ना इनकी टेल ही बड़ी यूनिक होती है, ये देखो मुझे इनकी टेल बहुत अच्छी लगती है यार। चलो भाई तुम भी जाओ। ओ इसमें एक बलून मॉली यार ये छोटी वाली, वही तू मत जा यार, वही तू मत जाना यार घाई जान दे, उसमें साइड में बाद में कर लेंगे साइड में। और इसका कलर देखो यार कितना यूनिक है, चॉकलेट कलर है इसका, चॉकलेट कलर में मुंटेल है, कितनी खूबसूरत लग रही है। चलो भाई इसको भी छोड़ देता हूँ, जाओ तुम भी भाई तुम भी जाओ। वाओ गाइस ओए जंप कर दिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कितनी मॉलिज छोड़ी तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना, क्योंकि मैं ही भूल गया यार मैंने कितनी मॉलिज छोड़ी, ठीक है। अभी बारी आती है दोस्तों हमारे मार्बल बैलून मॉलिज की भी क्वालिटी देख सकते हो यार, बहुत ही खूबसूरत क्वालिटी दोस्तों इनकी, ये देखो यार वाओ। ये भी मैंने यहाँ पे छोड़ दी, ये देखो यार इसमें हमारे गोल्ड बैलून मॉली भी है, तुम भी जाओ, कितनी खूबसूरत लग रही है यार ये, वाओ। दोस्तों अभी आखिरी हमारे फिश बचे हैं जो कि है गोल्ड फिश, तो इनको भी मैं अभी नीचे छोड़ने जा रहा हूँ फिश रूम में। हमारे जो गोल्ड गैंग है उनके साथ हमारी ये दो गोल्ड फिश रहने वाली है, और जो प्लेकोज है उनको भी हम गप्पी सेटअप में छोड़ देते हैं। तो दोस्तों मैं अभी फिश रूम में आ चुका हूँ, और यहाँ पे अभी जो गोल्ड गैंग है हमारे गोल्ड गैंग के साथ रहेगी हमारी ये छोटी वाली गोल्ड फिश। ओए आजा भाई, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है यार, ग्रीन वाटर में थी ना, ग्रीन वाटर की जो फिश होती है ना बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है यार, पता नहीं क्यों, क्योंकि उनको ज़्यादा अच्छा लगता है ग्रीन वाटर में रहना। ओए आजा यार, आ गई आ गई आ गई, जा भाई तू यहाँ पे। ओके तू भी आ जा यार, ये गोल्ड फिश इतनी छोटी थी ना यार, अभी देखो कितनी बड़ी हो गई, ये देखो भी इसकी साइज़ देखो कितनी बड़ी हो गई, जा भाई तू भी। ओके तो ये हमारे गोल्डी गैंग और हमारे जो लिली गुरामीज है तो उनके साथ रहेगी हमारी ये न्यू गोल्ड फिश। आपको पता है यार हमारे पास एक दिन बड़े बड़े गोल्ड फिश थे, उसका नाम हमने गोल्डी गैंग रखा था, बट कुछ डिसीज की वजह से हमारे बहुत सारे गोल्ड फिश मर गई थी, ऊपर मैंने छोड़ा था। अभी तो हमारे पास सिर्फ 3-4 ही गोल्ड बची है बड़ी साइज की, तो चलो यार कोई नहीं, धीरे धीरे हम उनका ग्रुप भी बढ़ा देंगे। और दोस्तों अभी बारी आती है हमारे प्लेकोज की, और ये जो प्लेकोज है मैं ये गप्पी रूम में छोड़ने वाला था, ठीक है, बट हमारे पास अभी तो 9 ही प्लेकोज है, 9 प्लेकोज होने की वजह से यार हमारे गप्पी पॉन्ड तो बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे हमारे बो तो ये हमें कम पड़ जाएगी 9 होने की वजह से, ठीक है। तो मैं अभी क्या प्लानिंग में था कि यार हमारा पोलर पैरेट का जो 4 फीट का टैंक है ये पूरी अलगी ने घिर चुका है, ठीक है, यहाँ से देखो भाई अलगी ने इसे पूरा घेर लिया है यहाँ से, ठीक है। अभी यहाँ से पूरा अलगी से लगने से पहले मैं यहाँ पे हमारे बेबी प्ले को छोड़ देता हूँ, ठीक है, और जो बाकी बचेंगी यहाँ पे मैं 6 प्लेकोज छोड़ देता हूँ, 6 प्लेकोज आराम से यहाँ का काम कर देगी, और जो बाकी 4 प्लेकोज बचेगी तो मैं हमारे जायंट गुरामी में ऐड कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी आप अलगी देख सकते हो यार। तो यहाँ पे मैंने 1, 2, 3 ये 3 प्लेकोज छोड़ी, ये 4 और ये 1, 5। तो अभी दोस्तों हमें सिर्फ इंतज़ार है यहाँ का जो अलगी निकलने का,
तो फाइनली दोस्तों मैंने यहाँ पे सारी प्लेकोज तो छोड़ दी, यहाँ पे 5 प्लेकोज छोड़ी और यहाँ पे दो दो करके मैंने दोनों प्लेकोज छोड़ दी। टोटल हमारी 9 प्लेकोज यहाँ पे छोड़ी है और पेट शॉप पर जाकर हम बहुत सारे प्लेकोज लेके आएंगे, फिर हम गप्पी सेटअप में ऐड कर देने वाले। यार प्लेको ही नहीं मिलती यार छोटे साइज की। तो दोस्तों अभी ये वाला जो टंकी था ये भी हमने पूरा क्लीन कर लिया, अभी इसका भी पानी भर देते हैं। पहले तो यहाँ पे वाटर लिली ऐड कर देते, ध्रो पानी तो भर रहा है। और दोस्तों और ये रहेगी यार जो फाइटर फिश की जो फीमेल्स है ना, तो मैंने इसको यहाँ पे रखा है, यहाँ पे 3 फीमेल है, बाकी जो फीमेल्स मैंने नीचे शिफ्ट कर दी, जगह कम बढ़ रही है उनको, तो मैंने बाकी 3 यहीं पे रहने दी और उनके लिए भाई सोचेंगे कुछ अलग सा टैंक बनाने वाले फाइटर के लिए, फीमेल्स के लिए। तो हमारी वाटर लिली के मैंने सारे पुराने पत्ते फेंक दिए निकाल कर, तो अभी अच्छे से ग्रो होगी। चलो भाई उठा, एक मिनट यहाँ पे वाइल्ड्स नहीं ले यार, ये देख वो निकाल ले भाई, बहुत दिक्कत होती, बहुत गंदगी करती है यार ये। चलो उठा भाई, जा पीछे जा। चलो इसे रख देते हैं अभी, इसे रख दिया। पहले इसमें पानी भर दे ध्रुव, थोड़ा पानी भर दे क्योंकि डूब के रहेगा नहीं तो तैरता है भाई ये पानी भरने के बाद। तो दोस्तों अभी इस वाली टंकी में हम सारे रखेंगे हमारे गप्पी फिश के बेबी, जो कि हमारे गप्पी फिश के रूम में जितने भी बेबीज निकलेंगे अभी हम सारे उठा कर यहीं पर शिफ्ट करते जाएंगे, क्योंकि उनके लिए भाई कहीं पर रखने के लिए अभी जगह नहीं है। लास्ट ऑप्शन है हमारे पास ये वाली टंकी, यहाँ पे बहुत सारे बेबीज रह सकते हैं, 1000 के भी ज़्यादा बेबीज रह सकते हैं। लास्ट काम बचता है हमारा एप्पल स्नेल को लेकर, ये देखो उनके बेबीज भी उनके साथ है और बड़ी वाली ब्रूडर स्नेल भी साथ में है सारे, तो ये सारे रहने वाली है हमारे एलिगेटर के टैंक में। ये देखो यार ये सारी स्नेल यहाँ पे बहुत अच्छे से रहती है यार, यहाँ पे जितनी भी अलगी वगैरह होती है ना सारी सपाचट कर जाती है। यहाँ पे प्लेकोस तो नहीं छोड़ सकते यार, प्लेको हमारा एलिगेटर गार तब भी उड़ा देगा, इनका जो शेल होता है ना कड़क होने की वजह से ये आराम से रहती है हमारे गार फिश के साथ। तो भाई टेरेस के हमने सारे काम वगैरह निपट लिए, तो इसी के साथ आज का वीडियो हम एंड करते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अब जाकर हमारा सारा सेटअप हमने क्लीन किया भाई, यहाँ पे पूरा गंदगी था यार, पत्ते बित्ते पड़े थे यार हमारे वाटर लिली के, सबसे ज़्यादा गंदगी करते हैं हमारी वाटर लिली, और बहुत सारे पत्ते वगैरह पड़े थे, वो जो प्लांट्स हैं ना उनके भी बहुत सारे पत्ते पड़े थे, सारे के सारे हमने क्लीन कर दिए। तो अभी घर वाले का कोई भी टेंशन नहीं है, तो ठीक है। मॉर्निंग से हम, मैंने 9 बजे से काम स्टार्ट किया था भाई, अभी बज चुके हैं 2:30, ठीक है अभी तक कर रहे हैं, ठीक है अंदाज़ा लगा लेना हमें कितने आवर्स लगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।